पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अभियान एक युद्ध नशे के विरुद्ध शुरू किया गया, जिसका आगाज आज जलियांवाले बाग से शहीदों को नमन करके हुआ। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रासो अध्यक्ष कमलजीत कौर गिल ने कहा कि इस अभियान के तहत उनके द्वारा पंजाब को नशा मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। नशे के कारण जहां लाखों घर तबाह हो रहे हैं, वहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी सूबे का नाम खराब हो रहा है। इस मौके पर होली हार्ट व डीएवी स्कूल के विद्यार्थियों ने भी शहीदों को नमन कर पंजाब को नशा मुक्त करने का प्रण लिया। अमृतसर से जतिन की रिपोर्ट, लाइव भारत। मैं सुरेंद्र सिंह हाँ जी, मैं प्रेजिडेंट हाँ फेडरेशन ऑफ होटल गैस एसोसीएशन अमृतसर की होटल इंडस्ट्री तो रोटरी क्लब तो हाँ जी। तो मैं एक अज ये इतिहासिक स्थान जरा जलियांवाला बाग है जोड़ा कि एक बड़ी वड्डी साड़ी हिस्टरी दे वेच एक बहुत वड्डा स्थल है। इत्थे आज जो इन्होंने बच्चों ने ते बहुत सारे जिम्मेवार लोगों ने एक जड़ी एनजीओ शुरू की है, उस एनजीओ दे लई नतमस्तक होना है असी लोग। ये जो सोच है इस सोच नू जे तो असी जामा सही पहना दें तो समझ लो भी असी लोग बहुत वड्डियां वो इलाकों नू किते जाके देखो, वो पिंडां नू जाके देखो जिस पिंडां दे विच कल्लियां चिट्टियां चुनियां रह गईयां, वो जिन्ना इलाके जाके देखो सानू देखने चाहिए। नशे नशा नहीं है, नाश ते नशा दो चीज़ां बिल्कुल नाल दियां ने। नाश ते नशा दोनों च फर्क ज़्यादा नहीं है अखरां दे विच, उस तरह जिस तरह नाश ते विनाश हुंदा उस तरह यह नशा वा। नशा घर बर्बाद कर दिंदा, खानदान बर्बाद कर दिंदा, आंढी गुआंढियां नूं ईवन के बर्बाद कर दिंदा। उस नशे नूं किसदा कसूर है? सरकारां दा, किसे दा असीं किसे वल कोई उंगल नहीं कर रही। असी आप सुधरना, असी गुआंढी नूं सुधारना, अपने बच्चों नूं सुधारना, इहदे नाल ही सारा समाज पंजाब सुधरे, हिंदुस्तान सुधरे। साडी अज दी जिहड़ी शपथ है बच्चों ने जिहड़ी शपथ लई है, इह शपथ नूं एक बहुत सधारण एवें गल ना समझ देण के हाथ अगे करके असां शपथ लई है। इह शपथ जिस तरह कि असी बच्चे जाके शहीदां दे गुरद्वारे दे होर गुरद्वारे दे होर अपने मंदिर दे विच जाके जे शपथ लैंदे आ, इह वी मंदिर ही है, एक कौम दा मंदिर है। इत्थे आ के जे शपथ लई है तो इस शपथ दे ईमानदार बनना पैणा, नहीं तो बड़ियां मुश्किलां आउंदियां। जे सानू अज इस नशे के खिलाफ जिहड़ी मैडम गेल होर जिहड़े स्कूल के बच्चे आए हैं, यह एक अवार्डी नैशनल अवार्डी बच्चा नाल खड़ा है, ये एक बड़ी वड्डी अपने आप दे विच शपथ है। ये लोग जो आए हैं अपने आप च एक इंस्टीट्यूट ने। सो सानू चाहिए इन्हां दे मगर लग के इन्हां दी सोच नू असी अगे वधाईए, इन्हां बच्चों भी समझाइए, अपने परिवारों अपने आंढ गुआंढ अपने शहर से अपने पंजाब नू हिंदुस्तान नू एक स्वर्ग बनाइए। स्वर्ग नहीं बना सकते तो कम से कम अपना घर नू स्वर्ग बना लीए, घर नू सुधार लीए। जे घर सुधर जाएगा तो सारा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। धन्यवाद जी। मैं कमलजीत कौर गिल रासो एनजीओ की प्रेसिडेंट बोल रही हूँ, और हमने आज एक प्रण लिया है नशे के खिलाफ, एक युद्ध शुरू किया है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। ये युद्ध है नशा मुक्ति। हम पंजाब से पूरे प्रदेश से नशा मुक्त कराने का एक प्रण लिया है। आज जलियांवाला बाग आए हैं इस शपथ लेने के लिए कि हमें आशीर्वाद दिया जाए शहीदों से कि हम इस प्रण को पूरा कर पाएँ, इस नशे को पंजाब से ख़त्म कर पाएँ। एक कोशिश है पूरे पंजाब में अमृतसर में इस नशे को ख़त्म करने का। कौन से बच्चे स्कूल से आए हैं मैम और कितने बच्चे हैं? ये होली हार्ट स्कूल से आए हैं, डीएवी से आए हैं, और भी कई जगहों से बच्चे आए हैं, और सुरेंद्र जी आए हैं अपने होटल लाइन के प्रेसिडेंट, और भी लोग आए हैं। सुरेंद्र जी ये भी ड्रग्स के ऊपर लेक्चर करते हैं, और इनका नाम बच्चे का अजान है। इसे राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, इसे भी हमने बुलाया है, हमारा मान है ये बच्चा। और मैम जो नौजवान पीढ़ी नशा छोड़ना चाहती है मगर कहीं ना कहीं आकर उसको सहायता नहीं मिलती, और आपकी तरफ से क्या किया जाए? हम उन्हीं के लिए ही ये एक प्रण ले रहे हैं, हम ये पूरी कोशिश करेंगे नशा छुड़ाने का। सुखविंदर सिंह जी, सुखविंदर जी, अब तुम जलियांवाले बाग आए, की मकसद से आज इतने आ? इत्थे आउण दा मकसद मेन ये मैडम करमजीत कौर गिल जी ने मैनू फोन किया कि असी नशियां दे अगेंस्ट एक मूवमेंट चला रहे हैं, एक युद्ध चला शुरू कर रहे हैं, लड़ाई एक आरंभ कर रहे हैं। तो साड़ी जिंदगी दा एक मकसद है कि इस सोहणे पंजाब नू सोहणा बना के रखना है, तो इस सोहणे पंजाब नू जिहड़ा दाग लगा, जिहड़ा ग्रहण लगा है, वह नशियां दा ग्रहण लगा है। मेरा ये मनना है कि बहुत सारियां समस्यावां अज पंजाब दे विच मौजूद ने, सदियां तो रही हैं, अज भी ने,
इन्हां दे हल हो जाणगे, नवीं समस्यावां आ जाणगियां। लेकिन यह जिहड़ी नशियां दी समस्या है, यह पंजाब नूं घुण वांग चंबड़ी है। यह समस्या पंजाब अफोर्ड नहीं करता। हर हालत दे विच इस नशियां दी समस्या तों निजात दिवाउणी है, इह तों फ्री करना है। क्योंकि नशियां दे विच जिहड़ा ग्रस्त है वह नौजवान है, वह साडे बच्चे ने। तो बच्चे किसी भी कौम का किसी भी खिते का सरमाया होया करते हैं। जदों साडे बच्चे ही नौजवान नशियां दे विच ग्रस्त हो जाणगे, जिवें कि पिछले लगभग 20 सालों तों असीं देख रहे हैं कि जिन्हां बच्चों ने बड़े वधिया प्लेयर बनना सी, जिन्हां बच्चों ने फौज दे विच जा के देश की रक्षा करनी सी, जिन्हां बच्चों ने साडे समाज नूं सेध देनी सी, जिन्हां बच्चों ने वधिया डॉक्टर बनना सी, वह बच्चे अपनी 10वीं क्लास तों शुरू हो के ग्रैजुएशन तक पहुँचने तो पहला पहला नशे का शिकार होकर तो अपनी जिंदगी जवानी के खराब कर लेंगे है। मेरा ख्याल है, मेरा यह मानना है कि पंजाब की धरती नशे का जोड़ा ग्रहण लगा आ, जोड़ा अपने आप को एक सच्चा पंजाबी मानता है, हर उस पंजाबी का फर्ज बनता है कि इस कोड़ पंजाब के पुट के सुटन वास्ते जिन्ना योगदान पा सकता कोई पाए। इस करके असं इतने अज मैडम के सदे पर आए हैं कि जे नशे के विरुद्ध कोई भी संस्था कितने भी काम करेगी, असं उत्थे पूरा सहयोग देवे। सो ये साडा परपस ही अज इत्थे आउंदा। तुहाडा नाम? मेरा नाम अजान कपूर है। अजान, तुसीं अज इत्थे जलियांवाले बाग की करन आए? अज असीं इत्थे जलियांवाले बाग जिहड़े शहीद है उन्हां नूं सम्मान देना है। ते सम्मान दे नाल तुसीं अज इत्थे इक प्रण लिया, उहदे बारे की कहना चाहोगे? तुहाडे नाल कौन आया सीगा, किस तरह सीगा, सारा दस्सो। मैं अज अपने माता पिता नाल आया। मैं राष्ट्रपति अवार्ड दा अज असीं जलियांवाले बाग जिहड़े शहीद लोग आ उन्हां नूं सम्मान देना है। ते अज असीं शब्द दित्ती है कि जिहड़ा नशा उस नूं आपां पंजाब तों हटा के ते उहनूं छड़ा देंगे। प्रभनूर सिंह। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਭ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜੜ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਵਾਸੂਮਲ ਜੀ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਸਵਸਥ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਪਥ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।